नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मुंबई पुलिस ने आज शहर के अलग अलग इलाकों में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगा रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी राजेश पांडे द्वारा 3 जून को बोरीवली के आदित्य कॉलेज कैंपस में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाया था। कॉलेज ने बोरीवली थाने में शिकायत की है और अपने बयान में कहा है कि आरोपी ने खुद को कोकिलाबेन अस्पताल का कर्मचारी बताकर उनके कैंपस में वैक्सीनेशन कैंप लगाया था। कॉलेज के अधिकारी ने कहा 3 जून 2021 को आदित्य कॉलेज परिसर में आयोजित टीकाकरण अभियान का आयोजन एक इवेंट कंपनी के माध्यम से हुआ, जिसके मैनेजर कोकिलाबेन अस्पताल के सेल्स डिपार्टमेंट के चीफ मैनेजर राजेश पांडे हैं। उन्होंने सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव उनके अस्पताल की देखरेख में होगा और सभी आवश्यक अनुमतियों और कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी होगी, जबकि कॉलेज की जिम्मेदारी केवल भुगतान करने तक ही सीमित रहेगी। अपने बयान में उन्होंने कहा, उक्त व्यक्ति को जिम्मेदारी देते हुए आदित्य कॉलेज ने अपने छात्रों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ कॉलेज के ट्रस्टी को 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया था। आदित्य कॉलेज का उद्देश्य ट्रस्टी सहित अपने हितधारकों को और सहयोगियों को टीकाकरण प्रदान करना था, जिन्हें उक्त अभियान में टीका लगाया गया। तो ये थी आज की खास खबर। इस तरह की और खास खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।